तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारी मौत की कहानी तो लिखी जा चुकी, बस पट कथा में थोड़ा बदलाव है। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई कि खुद अपने हाथों से इस शुभ काम को अंजाम दे सकूं। जब से यहां आई हूं, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर पिशाच देवता तुम्हारी बलि को चढ़ाना चाहता है, इसलिए कि तुम्हारे पास वो दिव्य निशान है, तुम्हारी शक्ति पान, जैसे महापिशाच ने एक बार कोशिश की थी। मैं और पिशाच देवता तो पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। जब से तुम्हारा दिव्य निशान मेरे आगे बेसर हुआ है, मेरी रुचि भी इस पे खत्म हो चुकी थी। मैं तो बस मनोरंजन के लिए तुम्हारी हत्या करना चाहती थी, लेकिन पिशाच देवता, जिसे किसी भी प्रकार के मनोरंजन से सख्त परहेज है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? ये मेरे लिए एक पहेली बन चुकी थी, पर जिसका जवाब मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला। अगर पिशाच देवता ने अपने हाथों तुम्हारी बलि चढ़ाई होती तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाती, क्योंकि तुम्हारा कातिल ना सिर्फ एक दिव्य निशान वाले इंसान का अंत करेगा, बल्कि उसके वंश को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्योंकि तुम अब अकेली नहीं मारोगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कोख में पल रहा बच्चा वो भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंश के साथ तुम्हारा वंश भी मिट जाएगा। मेरा बच्चा, हम सच में नहीं जानते कि पीकू के पास कैसे पहुंचे। प्लीज हनुमान जी, हमें रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए। बच्चा, उसी मासूम के लिए तो पिशाच देवता दोनों मां और बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे, और फिर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। और ये मुझे मंजूर नहीं भक्त कुमारी कि पिशाच लोक में रानी से भी कोई ज्यादा बलशाली हो, तभी तो अपने देवता की भी बलि चढ़ा दी मैंने। अब पिशाच लोक में एक ही देवी होगी, पिशाच रानी। तुम्हारा मरना मेरे हाथों लिखा है भक्त कुमारी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को छू तक नहीं सकती। मैं अपनी नन्ही जान को, अपनी प्यार की निशानी को अपने कोख में पल रहे मासूम को तुम्हें हाथ तक लगाने नहीं दूंगी।
है रॉकी? पीकू का रिटर्न टिकट, उन्हें वापस लाने का रास्ता। अब हम सबको यहां खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है, फिर वो रास्ता खुलेगा जिससे पीकू और विद्या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो हम तक वापस आ जाएंगे। रानी पीकू को किसी भी लोक में क्यों ना ले गई हो, ये दिव्य यंत्र उन्हें किसी भी लोक से वापस खींच लाएगा। तो फिर ये प्रक्रिया शुरू करो रॉकी, इसमें देरी कैसी? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? वो इसलिए मम्मी, क्योंकि पीकू के पास कोई निशानी होनी चाहिए, कुछ खास जिसे वो पकड़ के रखे, जो यहां से उसे जोड़े रखे। हाँ तो ठीक है ना, पवित्रा के जितने खास सामान हैं, जैसे कि उसकी बचपन की तस्वीरें, नानू की किताबें, सब कुछ तो पवित्रा अपने साथ लेकर गई है। जानते हैं चाचे, लेकिन पीकू को कैसे पता होगा कि उसे उन्हें अभी पकड़ के रखना है, करीब से थामना है, और ये सब अभी करना है, ये उसे कौन बताएगा? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो सारी चीजें अभी उसके पास है भी या नहीं। लेकिन आप विद्या तक तो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हाँ? विद्या ने कड़े अभ्यास से नाशक की कई शक्तियों पर काफी कम समय में महारत प्राप्त किया है। और एक बार विद्या ने हमसे एक बात कही थी, जब वो हमसे दूर हो तब एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। शिकारी, कौन से माध्यम से? याद कीजिए प्लीज। हाँ याद आया, शंख। शंख के जरिए। शंख? ना कोई इंसान, ना इंसान से जुड़ी कोई वस्तु, ना पिशाच देवता की मंजूरी के इस अदृश्य दीवार को क्रॉस कर सकती है। लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर देंगे पवित्रा भाभी, आप तक पहुंच कर देंगे। मुझसे लड़ोगी? तुम मुझसे लड़ोगी? ना, अब मैं सिर्फ लड़ूंगी बल्कि जीतूंगी भी। मैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, मरना कबूल कर लिया था मैंने, लेकिन अब अपने बच्चे के खातिर मरूंगी नहीं, मारूंगी। हो मेरे जैसे महाशक्तिशाली को तुम मारोगी? लेकिन भक्त कुमारी, तुम्हारे पास तो अभी कोई ताकत नहीं बची। जो तुम मुझे एक खरोच भी पहुंचा पाओगे, मेरी ताकत को, इंसानी जज्बात को तुम जैसी पिशाचनी कभी नहीं समझ पाएगी। मैं तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई, अब तो मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती, क्योंकि अब मेरे साथ मां की ममता की ताकत जुड़ चुकी है। और एक मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है, इसकी तुम्हें कल्पना तक नहीं। विद्या, अगर तुम हमें सुन रही हो तो हमारे इंस्ट्रक्शन से एकदम ध्यान से सुनना। रॉकी भैया, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इस पर तुम्हें अमन करना होगा, सावधानी से। चिंता मत करना रॉकी भैया, हम इस काम को अंजाम देकर रहेंगे। क्षण भी है तू।
फिर इंसान इस दीवार के अंदर नहीं जा सकते, मगर जानवर तो जा सकते हैं ना। उम्मीद है फित्या तक तुम्हारा संदेशा पहुंच चुका होगा। हाँ मम्मी, और वो वक्त रहते पीकू को सामान भी पहुंचा देगी, उतना भरोसा है मुझे उस पर। चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। शिखा जी, रॉकी तुम इस घेरे के बीच में क्यों खड़े हो? यही प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है। रुको, हमें देखने दो। विधि की प्रक्रिया आरंभ होते ही इंसान जादुई द्वार के माध्यम से खींचा चला आता है और सीधा घेरे के बीच में आकर गिरता है। लेकिन सावधान, इस प्रक्रिया में काफी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए जो इस उपाय का प्रयोग करता है उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसीलिए तुम यहां खड़े हो ताकि पवित्रा को कोई चोट ना पहुंचे। जब वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करने जा सकती है तो क्या हम इतना नहीं कर सकते उसके लिए? वक्त बीता जा रहा है, हमें जल्दी करना होगा। जय मां, बिल्ली बनकर अंदर आने का आइडिया काम कर गया। स्वयं ही तू अग्नि है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ भक्त कुमारी। तुम और तुम्हारा ये बच्चा। रॉकी
पर आपने जो किया ना वो दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे साथ। पवित्रा, वो चिड़िया। मम्मा, चिड़िया। मम्मा, विद्या। विद्या, चिड़िया आ गई। तुम ठीक हो? राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों सुरक्षित लौट आए। विद्या के मदद के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। अब विद्या सही मायने में नाशक कहलाने के हकदार है। रोगी के पीठ पर ये निशान कैसा? फिर कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं?